तो इस टॉपिक के अंदर YDSC एक्सपेरिमेंट है। हमने YDSC एक्सपेरिमेंट कैसे किया? दो लाइट्स ली, दो सोर्स लिए, और दोनों लाइट्स कैसे ट्रेवल कर रही हैं? वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, और यहाँ पर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट किया, फॉर्मूले हमने याद कर लिया। अब नॉर्मली क्या था, ये डायग्राम थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है, ये डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो हमने देखा सेंटर पॉइंट पर मैक्सिमा आया था, बात खत्म होगी, हमने पूरा स्टडी कर लिया। हमें ये भी पता लग गया कि एक्स डिस्टेंस पे सेवन्थ मैक्सिमा है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा या मिनिमा कैसे निकलेगा, सब स्टडी कर लिया। क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन ये आएगी कि अगर मान लो 1 मिनट के लिए किसी ने ग्लास स्लैब इसके रास्ते में रख दी, एक ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और थिकनेस उसकी कितनी है टी, तो रिजल्ट है ये पूरा पैटर्न का पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बाय डिस्टेंस ऑफ वाई नॉट। ये पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट होएगा बाय डिस्टेंस ऑफ वाई नॉट, जबकि जब दोनों के दोनों वैक्यूम थे फिर पूरे का पूरा पैटर्न का सेंट्रल मैक्स सेंटर पे था और पूरा पैटर्न नॉर्मल था, लेकिन जिस वेव के आगे ग्लास स्लैब रखेंगे उस तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर ग्लास स्लैब यहां रखेंगे पूरा पैटर्न नीचे हो जाएगा, ऊपर रखेंगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा ये क्वेश्चन है, क्लियर है यहां तक? इसको बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं फॉर्मूला फॉर फ्रिंज शिफ्ट, लिख लेना फॉर्मूला रजिस्टर में, फ्रिंज शिफ्ट। फ्रिंजेस क्या हो जाती हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो जब सेंट्रल पॉइंट सेंटर पे बनता था, ग्लास स्लैब रखने के बाद कहां बनेगा, थोड़ा ऊपर बनेगा, राइट? अब ये लॉजिक ये है, ऊपर बनेगा क्यों? सबसे पहली चीज, अगर ग्लास स्लैब नहीं थी, चलो मान लो 1 मिनट के लिए ग्लास स्लैब नहीं थी, तो ये वेव ने बराबर डिस्टेंस कवर किया था, जिस वजह से पाथ डिफरेंस क्या था, जीरो, और फेज डिफरेंस भी क्या था, जीरो। ऐसे ही था, पाथ डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, और सेंट्रल पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट था, बात ही खत्म थी। पर हुआ क्या, आपने स्लैब रख दी, स्लैब के अंदर लाइट की रिफ्रैक्शन हो जाएगी, लाइट मुड़ के जाएगी और रिफ्रैक्शन हो जाएगी, और जब रिफ्रैक्शन होगी तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अब सोचो 1 मिनट के लिए अगर यहां पर ग्लास स्लैब ना होती तो लाइट ने यहां पे कितना डिस्टेंस कवर करना था, टी, तो सीधा ही ट्रेवल कर जाती ना, टी अगर थिकनेस है तो टी डिस्टेंस सीधा ट्रेवल करके बाहर आ जाती। पर क्योंकि ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में याद है ऑप्टिकल पाथ किया था हमने, तो ऑप्टिकल पाथ में क्या है, ग्लास स्लैब में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, इक्वल टू वैक्यूम म्यू टाइम्स टी। क्योंकि जब डेंसर मीडियम आता है तो हम उसको वैक्यूम इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, म्यू टाइम टी। तो ग्लास स्लैब होने की वजह से उसे एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो ग्लास स्लैब के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, म्यू टी, और वैसे कितना कवर करना था, टी, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर किया, म्यू टी माइनस टी, यानी कि म्यू माइनस वन इंटू टी। ये पॉइंट क्लियर है? और अगर ग्लास स्लैब ना होती, वैक्यूम मीडियम होता, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वन, वन में से वन गया जीरो, तो कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर नहीं करना था। क्लियर है यहां तक? ग्लास स्लैब रखने से एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो गया, और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर हो गया, म्यू माइनस वन इंटू टी। ये फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो, ये बहुत यूज होते हैं, म्यू माइनस वन इंटू टी। आफ्टर इंसर्टिंग अ ग्लास स्लैब एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आज के रिजल्ट लेक्चर में यूज भी करेंगे, ठीक है? सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ग्लास स्लैब ने कवर करवाया, ग्लास स्लैब होने की वजह से और ना होने की वजह से एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, म्यू माइनस वन इंटू टी। अब मेरे को पता है कि अगर मैं कोई स्क्रीन के ऊपर कोई पी पॉइंट लेता हूँ, कहीं पर भी कोई पी, जहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी बन रहा होगा, वो पी पॉइंट पर दोनों वेव का पाथ डिफरेंस होगा। दोनों वेव का पाथ डिफरेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, एक्स डी बाई डी, ये हमने नोट किया हुआ है। लेकिन ये पाथ डिफरेंस क्यों है, क्योंकि रास्ते दोनों वेव्स के अलग अलग हैं, उनके डिफरेंस को बोलते हैं एक्स टी बाई टी। और ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब ग्लास स्लैब नहीं थी, हमने डेरिवेशन की थी, और दोनों वेव्स किस में ट्रेवल करती हैं, वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, कोई डाउट इसमें? तो वैक्यूम में ट्रेवल करने से पाथ डिफरेंस इसके इक्वल है, क्लियर है? अब इसके अंदर पी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो डेल्टा एक्स की ये वैल्यू है,
हमने किया हुआ है वैक्यूम में, पर ग्लास स्लैब होने की वजह से और क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम करो, डेल्टा एक्स और एक्स में से एक्स निकाल लो, ये आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स आ गया, एक्स निकाल लो, तो एक्स का मतलब वो पी पॉइंट की दूरी है। तो अगर मैंने ग्लास स्लैब को नहीं रखा था तो मेरा पी पॉइंट कितनी हाइट पर देखा गया, इतनी हाइट पर देखा गया, वेयर डेल्टा एक्स इज दी पाथ डिफरेंस एट पी पॉइंट। लेकिन जब मैंने ग्लास स्लैब को रखा तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस तो रास्ते की वजह से है ही है, और एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ग्लास स्लैब की वजह से, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन होने वाली है, और एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, म्यू माइनस वन इंटू टी। पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट वही है पी, कहीं पर भी स्क्रीन के ऊपर। अगर ग्लास स्लैब नहीं है तो कम से कम डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस तो तब भी है, और अगर ग्लास स्लैब है तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इतना और क्रिएट हो गया। तो मेरा पॉइंट, नया पॉइंट जो पी था, वो शिफ्ट होके कहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक्स डैश दूर चला गया, पहले वो पास था, ये टर्म बढ़ने से ये डिस्टेंस बढ़ गया। तो कितना शिफ्ट हो गया, इन दोनों को माइनस कर लो, माइनस करके आपके पास ये वैल्यू आएगी, इसे नोट करो। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर शिफ्ट, या फिर इसे बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट। तो इतना डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये रिजल्ट ये बता रहा है कि अगर आपके पास ये सेंट्रल पॉइंट था और आपने एक और ग्लास स्लैब को रख दिया, अब आपको सेंटर पॉइंट इतनी हाइट पे मिलेगा, यहां पे नहीं मिलेगा आफ्टर इंसर्टिंग अ ग्लास स्लैब, और ये डिस्टेंस क्या होगा, म्यू माइनस वन इंटू टी डी बाई टी, ये शिफ्ट आ गया। तो समझ में आ रहा है यहां तक, ये फ्रिंज शिफ्ट का मतलब क्या है, इसकी डेरिवेशन नहीं आती, कोई टेंशन नहीं है, पर इसका फॉर्मूला आता है, फ्रिंज शिफ्ट कितना डिस्टेंस ऊपर शिफ्टिंग हो गई, ये फॉर्मूला सीधा लगा आंसर आएगा। और इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला भी है, बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। तो तुम यहां से डी बाई डी की रेशियो निकाल लेना, जो कि बीटा बाई लैम्डा, इसको यहां पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी नोट कर लो और ये भी नोट कर लो, एक ही बात है। वैसे पहले वाला फॉर्मूला ज्यादा चलता है, बीटा क्या, बीटा में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि फ्रिंज शिफ्ट क्या चीज है। और साथ में ये भी एक चीज नोट करो, अगर मैंने ग्लास स्लैब नहीं रखी तो वो मीडियम क्या पाया जाएगा, वैक्यूम। वैक्यूम का म्यू क्या होता है, वन। तो देखो वन में से वन गया जीरो, तो कोई शिफ्टिंग नहीं होने वाली। तो यानी कि ग्लास स्लैब रखने के बाद शिफ्टिंग होगी, ग्लास स्लैब ना रखने पे कोई शिफ्टिंग नहीं है, सेंटर पॉइंट सेंटर पे ही दिखेगा। तो क्या ये रिजल्ट सबको याद रहेगा, एक तो ग्लास स्लैब रखने से एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है, ये फॉर्मूला, और ग्लास स्लैब रखने से आपकी फ्रिंज शिफ्ट कितनी हो जाती है, ये फॉर्मूला। मेंस के पी वाई क्यू की बुक के अंदर खोल के देख लेना, दूर से ही फोटोएं चमकेंगी, वो एक नहीं वो दो ग्लास स्लैब रखेगा, ऊपर भी और नीचे भी, पैटर्न शिफ्ट होना ही होना है। तो पैटर्न शिफ्ट होके एक पार्ट डिफरेंस ऊपर की वजह से होगा, और ऊपर की ग्लास स्लैब चाहेगी फ्रिंज शिफ्ट ऊपर हो जाए, और नीचे भी ग्लास स्लैब है तो वो चाहेगी पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाए। अब देखना पड़ेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका बड़ा है किसका छोटा है। अगर तो बराबर है ऊपर की ग्लास स्लैब का भी नीचे की ग्लास स्लैब का भी, और टी भी बराबर है, फिर ऊपर की ग्लास स्लैब अगर 2 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट करवाती है तो नीचे की भी 2 सेंटीमीटर नीचे करवाएगी, सेंटर विल रिमेन एट सेंटर। वो देखना पड़ेगा कॉम्पिटिशन करके कौन ऊपर कौन नीचे जाएगा। पी वाई क्यू में ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट। अब इसको लगा के देखते हैं आज के लेक्चर में, किन न्यूमेरिकल्स में ये चलता है।